दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल किंजा हाशमी हारून कादवानी को डेट कर रही हैं। हारून कादवानी जो कि फेमस डायरेक्टर अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि हारून कादवानी को लोग फिरोज खान की कॉपी कहते हैं, यानी कि फिरोज 2 भी कहा जाता है। हारून कादवानी की शक्ल काफ़ी ज़्यादा फिरोज खान से मिलती है और इनकी एक्टिंग को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। हाल ही में हारून कादवानी की किंजा हाशमी के साथ एक टेलीफिल्म आई थी जिसका नाम रुपोश था और इस टेलीफिल्म ने 100 मिलियन क्रॉस किए थे। हारून कादवानी और किंजा हाशमी की जोड़ी को ना सिर्फ ऑन स्क्रीन पसंद किया गया बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इनकी जोड़ी को काफी ज्यादा प्यार मिला। इस टेलीफिल्म में नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इनकी केमिस्ट्री को एक अलग अंदाज में देखा गया। सबसे पहले इन दोनों के दरमियान में दोस्ती हुई और फिर इनका रिलेशन इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि दोनों ने साथ में फोटोशूट भी करवाए। दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात नहीं की, मगर दोनों की केमिस्ट्री को और बॉन्डिंग को देखते हुए लोगों का यही कहना है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। किंजा हाशमी का इससे पहले कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। सोशल मीडिया पे हारून कादवानी की वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक यॉट में है और वहाँ पर वो डांस कर रहे हैं। ये सब देखते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया। सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि सस्ता फिरोज खान, तो दूसरे ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा छिछोरा है, तो किसी ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा अनएजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सारे मामले पे किंजा हाशमी खामोश रहे क्योंकि उनका ब्रेकअप उनके साथ हो चुका है और दोनों ने एक दूसरे का अनफॉलो कर दिया है। लोगों को इन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी और एक साथ ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। लोगों को यही लगता था कि ये लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे। किंजा हाशमी की इस तरह से खामोशी पर तमाम तर लोगों को उन्होंने इंडायरेक्टली बता दिया है कि उनका हारून कादवानी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात नहीं की है। दोस्तों, इस सारे मामले पे आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेशन में बताना ना भूलिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।